नमस्कार सभी को, राम राम। मैं किरण बलराम किशन के साथ में आज मैं बात कर रहा हूँ क्रॉप डॉक्टर के टीम के लिए जो हमारे साथ में सीख रहे हैं, क्रॉप डॉक्टर बन रहे हैं और जो आगे हमारे साथ में क्रॉप डॉक्टर का काम करके कुछ कमाने की आशा में है, उन सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो हमसे क्रॉप डॉक्टर जुड़े हैं उन सभी के लिए भी और जो आगे से नया जुड़ना चाहते हैं उन सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपके जो एरिया है जहाँ पे आप रहते हो, गांव हो, तहसील हो, जिला हो, जहाँ से आप काम करना चाहते हो और हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप सभी को एक पहला प्रश्न है, पहला मुद्दा है कि आपकी परिसर में खेती और किसानों की क्या समस्या है। पहले आपको ये जानकारी करना होगा कि आपके परिसर में खेती और किसानों की क्या समस्या है और वो समस्याओं को लेकर आप अगर किसान पाठशाला से जुड़े हो तो किस उद्देश्य से जुड़े हो कि भाई हमारी ये समस्या है और इस समस्याओं का हमें कुछ आंसर चाहिए, उत्तर चाहिए या फिर कुछ उपाय चाहिए ये समस्या को दूर करने का, हम इसलिए किसान पाठशाला से जुड़े हैं। ये दूसरा सवाल हो गया आपकी कृषि की समस्या, आपका किसान पाठशाला से जुड़ने का उद्देश्य। तीसरा है जो आपके परिसर में क्रॉप पैटर्न है, जो फसलें लग रही है, इन फसलों का आपको थोड़ा स्टडी करना होगा। अगर कॉटन है तो कॉटन की समस्या क्या है, केला अगर है तो केले में क्या समस्या आ रही है, पपीता है, गन्ना है या फिर कुछ अदर क्रॉप्स है तो उनमें मेजर समस्या क्या है जो किसानों के प्रयास के बाहर है, जो उनसे सुलझ नहीं रहे हैं, खर्चा ज़्यादा हो रहा है फिर भी उस पर कुछ मतलब परमानेंट सॉल्यूशन उनको नहीं मिला है, तो ये भी आपको जानकारी लेना है। चौथा है, थोड़ा पॉजिटिव एंगल से देखना है आपको कि समस्या तो है सभी जगह है लेकिन कुछ खेती में किसानों में अच्छे कार्य भी हो रहे हैं, चाहे वो कोई केमिकल रासायनिक जो मिक्स करते हैं वो खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जो किसी ने थोड़ा खर्चा कम करके कुछ अच्छा पैटर्न निकाल के ज़्यादा उत्पादन लिया हो, कुछ ऐसा नया तरीका खोज किया हो खेती में कि जहाँ से सारे किसानों को फायदा हो सके, किसानों की बहुत सारी समस्या उससे कम होती होगी, किसी ने अपने नया बीज का संशोधन किया हो, किसी ने अपना खर्चा कम कर किया हो और ज़्यादा उत्पादन लिया हो, ये मतलब जो अच्छे कार्य हो रहे हैं आपके परिसर में किसानों के वो भी आपको ढूंढना है, उनको आगे करना है। खाली समस्याएं आप देखोगे तो आपको समस्या ही नज़र आएगी लेकिन अगर एंगल आपने चेंज किया देखने का और कुछ अच्छा भी आप देख रहे हो तो वो भी चल रहा है किसानों में, बहुत सारे किसान प्रयोग कर रहे हैं, हर तरह के सीख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी जानकारी उनको मिलती है गूगल पे तो वो प्रयोग कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं और उनका रिजल्ट आपको किसान पाठशाला के बहुत सारे किसानों तक पहुंचाना है। पांचवा मुद्दा है मेरा, जो आप जहाँ पे आप रहते हो वहाँ की फसलें और वो उनका एरिया कितना है, मतलब आपके गांव में कॉटन कितने हेक्टर में लगा हुआ है, उसका प्रतिशत क्या है, केला कितने प्रतिशत लगता है, गन्ना पपीता कितने कितने प्रतिशत में लगते हैं, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। ये जानकारी इसलिए आपको होना चाहिए कि आपको एक मतलब आपको एक टारगेट रहेगा सामने कि मुझे मेरे क्षेत्र में केला ज़्यादा हो रहा है तो मुझे केले पे ज़्यादा काम करना है, कपास ज़्यादा हो रहा है तो कपास में ज़्यादा काम करना है, केला हो रहा है, पपीता हो रहा है, गन्ना हो रहा है या फिर कुछ वेजिटेबल्स
सब्जियां वगैरह ज़्यादा हो रही है तो उस पर मुझे काम करना है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस क्षेत्र में काम करना है और जहाँ से ज़्यादा कमा सकोगे, ज़्यादा से ज़्यादा से आपको इनकम भी आएगी। इसलिए आपको पहले डिसाइड करना है कि आपका एरिया कौन सा होना है, टारगेट जो आप कर रहे हैं, मतलब आप सिर्फ गांव में काम करना चाहते हो, एक तहसील लेवल पे काम करना चाहते हो या फिर पूरा डिस्ट्रिक्ट आप संभाल सकते हो। तो आपको जितना आप स्टडी करोगे आपके गांव के बाहर, आपका तहसील, आपका जिला, आप जितनी जानकारी प्राप्त करोगे उतना आपका कार्यक्षेत्र बढ़ता जाएगा और उन सब सभी जगह से आपको इनकम लाना होगा और डिसाइड करना होगा कि कहाँ से मुझे ज़्यादा इनकम आ सकती है, किस क्षेत्र में, किस एरिया में, जो पोटेंशियल एरिया है वहाँ पे मैं टारगेट करूँ तो वहाँ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त हो सकती है। तो ये आपको ये डिसाइड करना है, वो भी हमें बताना है। एक तो आपको सब जानकारी मतलब सब पता है कि हमारे साथ में बहुत सारी केमिकल रासायनिक खेती हो रही है, कुछ किसान है कि जो दोनों मिक्स कर रहे हैं, प्राकृतिक भी कर रहे हैं, मतलब कुछ गुड़ गोबर गोमूत्र का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोबर खाद कर रहे हैं, तो दोनों मिक्स करते हैं, मिक्स खेती बोलते हैं उसको। और कुछ किसान है कि जो पूरा प्राकृतिक खेती करते हैं, रेसिड्यू फ्री कर रहे हैं, उनका ये सब किसानों की भी जानकारी आप तक आपको रहनी चाहिए कि कौन किसान है कि जो पूरा प्राकृतिक खेती कर रहा है या फिर पूरा नेचुरल फार्मिंग कर रहा है। तो ये आपको ढूंढना है और उन किसानों को भी अपनी सेवाएं देनी है, अपना कुछ जो है अपने प्रोडक्ट्स वो तो उन तक पहुंचाने हैं, जो रेसिड्यू फ्री है, जो रसायन मुक्त है वो भी आपको उन तक पहुँचाना है। आठवां मुद्दा है मेरा, आपके परिसर में जो सरकारी योजना है, अच्छी सरकारी योजना है, वो किसानों तक पहुंच पा रही है या ना पहुंच पा रही है, या कोई अच्छी योजना है जो अब तक किसान उनका लाभ नहीं ले रहे हैं, या फिर कोई योजना है कि बहुत सारे किसान उनका लाभ ले रहे हैं लेकिन बाकी किसानों को वो पता नहीं है, तो वो भी आपको मतलब उन किसानों तक पहुँचाना है, एक काम भी आपको करना है। नवा और महत्व का मुद्दा है कि अभी जो मौसम बदल रहा है, ज़्यादा बारिश आती है तो कभी कभी बारिश ही नहीं हो रही, लेट हो रही है, कभी कभी चक्रवात आ जाता है, ओला पड़ जाते हैं, एक ही दिन में बहुत सारी बारिश हो जाती है, बहुत सारी धूप आती है, बहुत सारी ठंडी आती है, तो ये जो क्षेत्रवार के मौसम बदल रहे हैं तो इससे हमारी खेती में क्या समस्या आ रही है, क्या बाधा आ रही है, क्या नुकसान हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है या फिर कुछ नुकसान हो रहा है, तो ये भी आपको जानकारी रखनी है। कुछ हवामान के जो ग्रुप्स है, अभी तो सब गूगल पे सब पता चल जाता है कि कहाँ पे बारिश होने वाली है, लेट होने वाली है, या फिर कहाँ पे ज़ोर से हवा आने वाली है, तो ये सब मतलब जानकारी हो जाती है व्हाट्सएप पे या फिर गूगल के माध्यम से। तो ये भी आपको जानकारी रखनी है और किसानों को अलर्ट करना है, किसानों तक मैसेज पहुंचाना है कि आपका नुकसान हो सकता है या कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो ये भी आपको एक अलर्ट, आप खुद को अलर्ट रहना है और किसानों को भी अलर्ट करना है। और एक जानकारी सबको आपको हमेशा ही रखनी है कि आपके एरिया में जो जो फसल अभी आ रहे हैं उनका अभी वास्तविक मूल्य क्या चल रहा है, मार्केट में किस भाव से वो बेचा जा रहा है। अगर केले की बात करो तो अभी केले का सब जो भाव रहता है वो अप डाउन होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आज का भाव क्या है, पिछले एक महीने का भाव क्या था, अभी आगे बढ़ेंगे या फिर कम हो गए, तो ये भी थोड़ा आपको जानकारी रखना है। ये सब आप जितना जानकारी रखोगे, जो मैंने 8-10 मुद्दे दिए हैं यहाँ पर, उन सब का आपको जानकारी रखना है, इससे आपको नॉलेज, आपकी नॉलेज बढ़ानी है, आपकी वो खेती का जो अवेयरनेस है वो बढ़ाना है और किसानों तक भी पहुंचाना है। ये सब आपको क्रॉप डॉक्टर के कार्य है, जो आप हमसे जुड़कर भी ये सब काम कर रहे हो या फिर
जहाँ पे आप कोई कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी कृषि से कृषि का आप काम कर रहे हो, तो ये सब जानकारी आपको रखनी ही होगी। और इसका फायदा भी है कि आप नॉलेज है आपके पास, तो किसानों तक भी आप अच्छे से जुड़ पाओगे, किसानों को कुछ दे सकोगे, तो किसान भी आपका सुनेगा। ये सब आपको करना है, एक वीडियो के माध्यम से या फिर एक व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचाना है, किसान पाठशाला तक। मुझे मुझे तो टेलीग्राम से वीडियो करके बना के भेजो या फिर व्हाट्सएप कीजिए। मेरा नंबर है 9754138222, 9754138222। इस नंबर पे भेजो। जो हमारे क्रॉप डॉक्टर की टीम है उनको कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आपको भेजना ही है। कल 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 तक भेजना है, 2 दिन की आपको मोहलत दी है, कल तक भेजो। या फिर जो नए क्रॉप डॉक्टर हमसे जुड़ना चाहते हैं किसान पाठशाला से, उनके लिए भी है कि आप ये सब जानकारी कलेक्ट करके एक वीडियो बना के या फिर व्हाट्सएप करके मुझे भेजिए। इससे आपको तय होगा किसान जो क्रॉप डॉक्टर है हमारे, उसके लिए हम डिसाइड करेंगे आपको किस संदर्भ आपको क्या काम दिया जाए, कौन सा क्षेत्र आपको दिया जाए, कौन से विषय है कि जहाँ पे आप मास्टर की कर सकते हो, आप मतलब अच्छा खासा नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, तो वो काम आपको दिया जाए। चाहे वो गन्ने का आप मास्टर बनो, पपीता के लिए मास्टर बनो, केले के लिए आप बांस है, बांस भी है हमारे पास अभी, तो बांस के लिए भी आप काम करो उस दिशा में। या फिर पपीता भी है, गन्ने की भी बहुत सारी वैरायटी आ रही है अभी, उसका भी पौधा हम तैयार कर रहे हैं। तो उस ये बहुत सारे क्षेत्र है कि जहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो काम करने के पहले आपको एक वहाँ के नॉलेज प्राप्त करनी होगी, तो आपको एक दिशा मिलेगी कि मुझे किस क्षेत्र में काम करना है कि जहाँ पे मैं अच्छा कर सकूँ। तो ये सब आपको मुझ तक शेयर करना है। आप सभी को विनंती करता हूँ किसान पाठशाला से सीखते रहे और कुछ कमाते भी रहे। धन्यवाद।